आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं रियलमी 9i 5G स्मार्टफोन का। तो इस तरह का हमें इसका बॉक्स देखने को मिलता है पूरा ही येलो कलर में। उसके नीचे हमें रियलमी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है जिसमें लिखा है 5G 9i रियलमी। तो उसके ऊपर कुछ इंट्रैक्शन देखने को मिल जाते हैं बॉक्स को ओपन करने पर। इसके अंदर हमें एक छोटा सा बॉक्स और देखने को मिलता है जिसके अंदर में डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिलती है, एक ट्रांसपेरेंट केस, टाइप सी केबल और चार्जिंग अडेप्टर देखने को मिलता है, जो कि 18 वोल्ट का चार्जिंग अडेप्टर है जो कि क्वालिटी काफ़ी अच्छी दी। इतना फास्ट तो नहीं लेकिन नॉर्मली मीडियम ही अपना मोबाइल को चार्ज कर देगा। 18 वोल्ट का एक क्विक चार्जिंग देखने को मिलता है जो कि टाइप सी केबल के साथ आता है। तो इस स्मार्टफोन में के अंदर हमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जो कि अगर मैं इसके कैमरे की बात करूँ और लुक डिज़ाइन की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी प्रीमियम क्वालिटी में बना है ये स्मार्टफोन। तो काफ़ी लुक वाइज काफ़ी अच्छी बात है कि इसका बैक साइड पूरा ही ग्लास देखने को मिलता है जो कि डिज़ाइन का। अगर मैं इसके कैमरे की बात करूँ तो इसके अंदर 50 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके अंदर में एक LED लाइट देखने को मिलती है, नीचे रियलमी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, पीछे बैक पूरा ही क्लासिक मेटेलिक देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है, जैसे कि डायमंड ग्लो टाइप में देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो हम कर लेते हैं जल्दी स्मार्टफोन को ऑन। ऑन करने के बाद में हमें रियलमी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है जो कि रियलमी लिखा हुआ आ चुका है, पावर्ड बाय एंड्रॉयड। जल्दी से देख लेते कितने टाइम में ऑन होता है, देखते हैं। तो अपना स्मार्टफोन ऑन हो रहा है, तब तक देख के लीजिए कि कितने समय में ये ऑन हो गया। देख ही सकते हैं इसके अनुसार में हमें कुछ फ्री इंस्टॉल ऐप भी देखने को मिल जाती है, जो कि आप इसे अगर पसंद नहीं करते तो आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो अगर मैं इसके डिस्प्ले की बात करूँ तो इसके अंदर में 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस 90 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट के साथ में डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। अगर मैं इसके फ्रंट कैमरे की बात करूँ तो इसके अंदर हमें 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। तो अगर मैं इसके डिस्प्ले की बात करूँ तो इसके अंदर हमें 400 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी ठीक ठाक काफ़ी बढ़िया है। इसके अंदर हमें थोड़े थोड़े वेजल्स देखने को मिल जाते हैं, साइड वेजल्स देखने को मिल जाते हैं जो कि आपको देखने को मिलते ही हैं। तो इस तरह का हमें अपना स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। इसके अंदर हमें ड्यूअल 5G सिम सपोर्टेबल देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है कि ड्यूअल 5G सिम सपोर्ट करता है ये स्मार्टफोन। तो ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी बजट स्मार्टफोन है और काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है जो कि बजट में आता है और काफ़ी 5G भी है, तो काफ़ी बढ़िया बात है। इसके साइड में साइड लुक की बात करूँ तो इसके अंदर हमें सिम ट्रे की बात करूँ तो ड्यूअल सिम देखने को मिलती है प्लस SD कार्ड, और साइड में आपको वॉल्यूम ब्रोकर देखने को मिल जाते हैं जो कि काफ़ी अच्छी बात है। नीचे टाइप सी केबल, माइक्रोफोन, स्पीकर और 3.5 mm जैक भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। दूसरी साइड में पावर बटन के अंदर ही फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, जो कि आपको पावर बटन में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी फास्ट है। देख सकते हैं आप जो कि आप देख ही सकते हैं कितना फास्ट ये लॉकिंग सिस्टम देखने को मिलता है। इसके अंदर में फेस ID, फिंगरप्रिंट और पैटर्न तीन सिस्टम लॉक देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बढ़िया है। अगर मैं इसके फेस ID की बात करूँ तो फेस ID भी काफ़ी स्मार्ट तरीके से काफ़ी तेज़ी से काम करते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। तो इस तरह ये स्मार्टफोन हमें एंड्रॉयड 12 पर बेस्ट है, जो कि एंड्रॉयड 12 के अंदर देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर मैं इसकी रैम परफॉर्मेंस की बात करूँ तो इसके अंदर हमें 4GB रैम प्लस 64GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है, प्लस इसके अंदर हमें चिपसेट की बात करूँ तो डायमंड 6810 चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी बढ़िया चिपसेट है जिसे आप गेमिंग भी कर सकते हैं या फिर कुछ
और भी काम कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर मैं इसकी बैटरी की बात करूँ, बैटरी की बात की जाए तो बैटरी इसके अंदर हमें 5000 mAh की यानी 5000 mAh की हमें इसके अंदर बैटरी देखने को मिल जाती है। अगर मैं इसको रिबूट करूँ तो देख ही सकते हैं, हम देखते हैं कितने टाइम में ये वापस ऑन होता है, तो देख ही सकते हैं 3-4 सेकंड में ही ये वापस ऑन हो चुका है, रियलमी का लोगो आ चुका है अपने स्मार्टफोन में, तो देख ही सकते हैं कितने टाइम में ये ऑन हो रहा है। तभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ऐसे ही न्यू अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो देखने के लिए। तो गाइस आप देख ही सकते हैं कि ये हमारा स्मार्टफोन ऑन हो चुका है, तो अभी देख कर देते हैं इसे अनलॉक करने के बाद में देख ही सकते हैं कि ये हल्का सा एक बार लेग हुआ, लेकिन ये अभी फुली ऑन हो चुका है, ऐसे लग ही नहीं रहा कि जैसे कि रिबूट किया हो। तो देखिए आसानी से ऐप भी ओपन हो रही है, कुछ भी हल्की सी लेग लग रही है लेकिन वो सही हो जाए, देख ही सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि रिबूट करने पर भी कम टाइम में ये वापस ऑन हो जाता है। अगर मैं इसके कैमरे टेस्टिंग में बात करूँ तो देख लेते हैं, तो डिज़ाइन और कैमरा लुक भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है हमें इस स्मार्टफोन में, क्योंकि इसके अंदर आईफोन जैसे कैमरे देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं इसकी कैमरे क्वालिटी की बात करूँ तो काफ़ी शार्पनेस फ़ोटो आती है, जैसे कि प्रीमियम काफ़ी अच्छी फ़ोटो देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं इसके कैमरे की क्वालिटी की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। तो आप देख ही सकते हैं इस तरीके में इसके अंदर फोटोज़, वीडियोज़ या फिर आप जो भी चाहें वो देख सकते हैं। इसके अंदर हमें फास्ट चार्जिंग नहीं है देखने, नॉर्मली 18 वोल्ट का चार्जिंग देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी ठीक ठाक है, आपको स्मार्टफोन को चार्ज कर देगा, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। ये मीडियम रेंज स्मार्टफोन है, जो कि आप अपने बजट के हिसाब से ले सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा बात है। ये स्मार्टफोन भी काफ़ी अच्छे और डिज़ाइन में लुक वाइज काफ़ी अच्छा है। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर दे, ऐसी ही न्यू वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए बाय।